आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से इस यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने श्री पेरम्बदूर में पिता राजीव गांधी के स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरेगी और लगभग 150 दिनों की इस पद यात्रा में 3500 किलोमीटर की दूरी को तय किया जाएगा। श्री पेरम्बदूर के बाद राहुल गांधी कन्याकुमारी जाएंगे, जहां पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन उन्हें राष्ट्र ध्वज सौंपेंगे। यात्रा की शुरुआत से पहले राहुल गांधी एक रैली भी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो प्रार्थना में शामिल हुए राहुल गांधी, उस वक्त की तस्वीर। श्री पेरम्बदूर की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। ...2024 में दिल्ली की रेस के लिए स्टार्टिंग लाइन। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं, हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तैयार है और अब धीरे धीरे देश की बड़ी पार्टियां उस स्टार्टिंग लाइन पर अपना अपना दमखम दिखाने के लिए खड़ी होने लगी है। इस लाइन में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी खड़ी है। भले ही कांग्रेस आज बीजेपी और क्षेत्रीय पार्टियों से जंग लड़ रही है, लेकिन खुद को वो दिल्ली की कुर्सी का प्रबल दावेदार मानती है और इसी दावेदारी के लिए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज से कन्याकुमारी से शुरू होगी। लगभग 150 दिन की ये पद यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। पूरी यात्रा लगभग 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा शुरू होने के साथ ही राहुल गांधी कन्याकुमारी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन उन्हें राष्ट्र ध्वज सौंपेंगे। कन्याकुमारी में गांधी मंडपम में कार्यक्रम के दौरान स्टालिन भी मौजूद रहेंगे, जिसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ उस सार्वजनिक रैली स्थल पर जाएंगे, जहां से यात्रा की औपचारिक शुरुआत होगी। लेकिन पार्टी की इस यात्रा से पहले ही बीजेपी ने इस पर राजनीतिक तंज कसना शुरू कर दिया है। असम के सीएम और कभी कांग्रेस के बड़े नेता रहे हेमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करने की सलाह दी है। सीएम हेमंत बिस्वा ने कहा कि भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। भारत तो डिवाइड हो गया 1947 में। अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है तो राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करना चाहिए। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा, भारत तो जुड़ा हुआ है। अयोध्या में संत कमल नयन दास जी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि इनको देश से कुछ लेना देना नहीं है। राष्ट्र विरोधी लोग हैं ये सबके सब, इनसे राष्ट्र से न सोनिया गांधी का जन्म भारत में हुआ, न राहुल गांधी का जन्म हुआ, न क्या नाम, क्या है नाम है इसका, प्रियंका, इन सबका जन्म भारत का, देश से कोई मतलब नहीं इन लोगों से है। राहुल गांधी की यात्रा उन राज्यों से होकर गुजरेगी जिनमें विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनमें मध्य प्रदेश भी है, जहां पिछली बार सरकार बनने के बाद कांग्रेस के हाथ से कुर्सी चली गई थी। कन्याकुमारी से शुरू हो रही इस यात्रा से पहले राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए और नर्मदा में डुबकी भी लगाई। इसे लेकर भी सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी को इच्छाधारी हिंदू कह दिया है। चुनावी हिंदू है, इच्छाधारी हिंदू है, जैसे ही चुनाव आता है वो ये सब करने लगते हैं। भारत जोड़ो यात्रा से पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी के सामने मुश्किलें भी बड़ी हैं। पार्टी के कई सीनियर नेता अध्यक्ष पद के चुनाव और पार्टी में हो रही अनदेखी को लेकर नाराज हैं और कई तो पार्टी से इस्तीफा भी दे चुके हैं। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पार्टी की ये कोशिश भी होगी कि किसी तरह नाराज नेताओं को एकजुट किया जाए। यही नहीं, लगातार 2 आम चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं के कॉन्फिडेंस को हाई करना भी पार्टी के लिए एक चुनौती ही है। ऐसे में ये भी कह सकते हैं कि भारत जोड़ो के बहाने पार्टी खुद को भी जोड़ने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं, हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।